हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने कल देखा था 54.60 के ओपन प्राइस के बाद 54.65 का मात्र हाई बनाया और 53.45 का लो बना डालता है। इस कंपनी की मार्केट कैप है 33,268 करोड़ रुपए और ये देखें अगर तो कल 53.60 के ऊपर बंद हुआ। टोटल अगर आप देखें तो इसका वॉल्यूम 29.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड किया NSE के ऊपर, और BSE के ऊपर देखें तो 2.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड किया गया। इस कंपनी ने 52 वीक लो बना रखा है इस बैंक ने 24.10 का, और हाई है 69.30 का। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से क्वार्टर वन की मैं बात कर रहा हूँ तो अप्रैल मई जून महीने की बात कर रहा हूँ जो कि पास ऑन हो चुका है, और हमारा क्वार्टर टू स्टार्ट हो चुका है, यानी हम लोग क्वार्टर टू के अंदर चल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, राइट। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर वन यानी अप्रैल मई जून, इन तीनों महीने के यानी इस क्वार्टर के लिए, क्वार्टर वन के लिए बैंक की तरफ से ग्रॉस फंडेड एसेट्स को रिलीज़ कर दिया गया है 1,13,434 करोड़ रुपए का अमाउंट निकल के आता है ग्रॉस फंडेड एसेट्स के लिए। और कासा डिपॉजिट की अगर हम बात करें यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है वो भी 98% के हिसाब से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे की जब भी हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर पिछले लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 को हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 के सेम क्वार्टर से, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर वन को हमने अभी जस्ट देखा पास ऑन होते हुए, और फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर वन को हमने देखा था। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर वन को हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर वन से, तो इसे हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोलते हैं। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखना है अगर आपको, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 का क्वार्टर वन जो चल रहा है, जो निकल चुका है जस्ट अभी, इसको हम कंपेयर करेंगे जस्ट पिछले क्वार्टर से यानी मार्च क्वार्टर से, मार्च 2021 के क्वार्टर से, राइट। तो देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड की तरफ से ये बताया गया है कि इनको ग्रॉस फंडेड एसेट्स के अंदर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% की ग्रोथ देखने को मिली है, और वैल्यू मैंने अभी आपको बताया 1,13,434 करोड़ रुपए। वहीं हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इसमें इनको हालांकि डिक्लाइन देखने को मिला है 3.15% के हिसाब से। बैंक ने टोटल कस्टमर डिपॉजिट इस बार पोस्ट किया है क्वार्टर वन के लिए 84,583 करोड़ रुपए, जो कि अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35.53% की ग्रोथ के साथ है। वहीं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 2.25% की ग्रोथ यहां पर भी है, राइट। कासा डिपॉजिट की बात करें तो 97.73 तकरीबन 98% के हिसाब से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.2% के हिसाब से ग्रो किया है 46,449 करोड़ रुपए। तो देख सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, कासा रेशियो की बात करें तो इस बार यहाँ पे 51.04% था, और इन द क्वार्टर अंडर रिव्यू एक्सपेंडिंग बाय ए ब्रेथ टेकिंग 1,730 बेसिस पॉइंट्स ऑन ईयरली बेसिस, हाउएवर द रेशियो कॉन्ट्रैक्टेड बाय 71 BPS। चलिए देखिए, क्वार्टर वन के नतीजे अभी इस कंपनी के यानी इस बैंक के आने हैं, और मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। आई थिंक जुलाई में, जुलाई 30th या जुलाई 31st कुछ ऐसी डेट यहाँ पे मेंशन थी, मैं आपको बता देता हूँ। जुलाई 31st 2021 जो है इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट के आने की डेट तय करी गई है, राइट। तो ये जो अनाउंसमेंट जो किया गया है एसेट फंड जो ग्रॉस फंडेड एसेट्स को लेकर के, ये क्वार्टर वन का पार्ट नहीं है, सॉरी क्वार्टर वन का ही पार्ट है लेकिन ऑडिटेड रिजल्ट के अनाउंस होने के साथ ही नहीं आया, ये रिजल्ट अनाउंस ही नहीं हुआ है।
दोस्तों, तो ये है इस कंपनी के, इस बैंक को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि डेफिनेटली बता रही है कि इस बैंक के अंदर आने वाले टाइम में पोटेंशियल है। देखिए, लोगों ने 52 का टारगेट तक दे रखा है नीचे की तरफ से, और मुझे नहीं लगता है कि मटेरियलाइज होगा। देखिए, मार्केट में कल पूरा सेंटिमेंट बन गया था गिरावट का, इसीलिए शायद आपको इसमें गिरावट देखने को मिली थी, अदरवाइज़ गिरावट होती ही नहीं। ये कंसोलिडेट कर रहा था अपने लेवल्स के ऊपर, राइट, जहाँ से बाउंस होकर के ऊपर ही जा सकता था। और अभी भी देखें तो कोई गिरावट, कोई खास गिरावट नहीं है, बहुत थोड़ी बहुत माइन्यूट सी गिरावट है, और इसे हम एक करेक्शन ही की तरह देखेंगे। तो दोस्तों, बस इतना ही इस वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग IDFC फर्स्ट बैंक। मैं आपसे बातचीत तो करता ही रहूँगा, बस अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।